सो डेडपूल एंड वुल्वरीन ने वर्ल्ड वाइडली $1 बिलियन की कलेक्शन कर लिया है और इसके साथ इसने और भी कई सारे रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवी सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग आर रेटेड मूवी बन चुकी है, जिसमें ओनली जोकर मूवी ही इससे आगे है। और अगर डेडपूल एंड वुल्वरीन और $15 मिलियन की कलेक्शन कर लेती है तो ये जोकर जैसी मूवी का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। और मजे की बात तो ये है कि डेडपूल 1, डेडपूल 2 एंड डेडपूल 3 ये तीनों मूवी टॉप 5 हायर ग्रोसिंग आर रेटेड मूवीज के लिस्ट में अपनी जगह बनाती है, जहाँ पे डेडपूल 1 का कलेक्शन $782 मिलियन एंड डेडपूल 2 का कनेक्शन $785 मिलियन था। एंड डेडपूल 3 ने $1 बिलियन क्रॉस करके इस लिस्ट को टॉप करने की रेस में बनी हुई है। एंड 3 साल पहले आई स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद ये मार्वल की सबसे बड़ी मूवी है। साथ ही कोविड-19 के बाद सिर्फ 8 ही ऐसी मूवीज है जो कि वर्ल्ड वाइडली $1 बिलियन के रिकॉर्ड को क्रॉस कर पाई है। एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाती है। इससे पहली बार भी अवतार द वे ऑफ वाटर, स्पाइडरमैन नो वे होम, टॉप गन मैवरिक, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन एंड इनसाइड आउट 2 इस $1 बिलियन के ग्रुप में शामिल है। एंड अगर बात करें 2024 की, तो यह हायर ग्रोसिंग मूवी की लिस्ट में डेडपूल एंड वुल्वरीन इनसाइड आउट 2 के बाद सेकंड नंबर पर एग्जिस्ट करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में इस मूवी ने मार्वल को रिवाइव किया है? वेल, हाँ, डेफिनेटली डेडपूल यहाँ एमसीयू के लिए जीसस बनके उन्हें रेस्क्यू कर चुका है, बिकॉज इस मूवी से पहले किसी को भी मार्वल की मूवीज के लिए इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती थी जितना इस मूवी के बाद होने लगी है, जिसके बाद इस मूवी के सक्सेस का इम्पैक्ट एमसीयू के आने वाली अपकमिंग मूवीज के ऊपर भी पड़ने वाला है, जहाँ पे फैंस कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से भी इसी लेवल का हाई क्वालिटी का स्टफ एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन सीरियसली, डेडपूल एंड वुल्वरीन ने मार्वल की आने वाली अपकमिंग मूवीज के लिए एक हाइप सेट कर दी है, जिस हाइप को एमसीयू को जरूरत थी। आई होप कि हमें फ्यूचर में भी एमसीयू का ऐसा ही एक्सलेंट वर्क देखने को मिले, क्योंकि एमसीयू को कंटीन्यूअसली ऐसी गुड मूवीज डिलीवर करनी होगी, तब जाके एमसीयू कहीं सही से रिवाइव कर पाएगा। और मार्वल ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि इससे पहले द मार्वल्स को रिलीज करके एमसीयू ने अपने सबसे लोएस्ट ग्रोसिंग मूवीज का रिकॉर्ड बनाया था। एंड आज उन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसी हिट मूवी के साथ अपना कमबैक किया है, और इसके साथ ही डेडपूल एंड वुल्वरीन ने अपना काम तो कर दिया है। इसके बाद ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, फैंटास्टिक फोर एंड थंडरबोल्ट कैसा परफॉर्म करती है। बाकी फैंस की एक्सपेक्टेशन तो काफी हाई हो ही गई है, अब देखना ये है कि एमसीयू फैंस की इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर भी पाता है या नहीं। और मार्वल की आगे आने वाली मूवीज अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में भी हम अपनी अगली वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।